हेलो दोस्तों, नेचर एक्सप्लोर स्वागत करता है आपका एक और नए दिन एक और नई वीडियो में। तो आज हम आ गए हैं एक और जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ भाई काफ़ी दूर आ गए हैं, तो हम धीरे धीरे आपको पहले मैं जंगल का थोड़ा सा एक दो दिखा देता हूँ कि एक दो तीन आप कुछ आम के पेड़ हैं। एक आप देख सकते हैं कि कुछ शायद यहाँ पे है, ये वाला एक, और इसके पीछे एक दो है, और एक पेड़ यहाँ पे है ये वाला। बस तीन पेड़ है बोलते रहते हैं भाई। बहुत पेड़ था, पेड़ तो करीब 10 के करीब था, लेकिन सब गिर गए हैं इसमें। जहाँ से पेड़ गिरे हैं वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं आज भी। तो जंगल बहुत ज़्यादा झाड़ियों से भरा हुआ है, काफ़ी ख़तरनाक भी है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों को इससे जो भी इसमें नए प्रजातियों में बन जंगल के दिखाई देंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह से। तो फिर मैं आपको पूरे जंगल का एक पूरा दृश्य दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं अभी बस किनारे पे ही हूँ मैं, धीरे धीरे अंदर की तरफ चलूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पेड़ है, एक दो आम का, ये दो तीन ही बड़े बड़े पेड़ हैं इसमें। बाकी काफ़ी झाड़ियाँ तो काफ़ी हैं, आप देख सकते हैं एकदम पूरी झाड़ियाँ भरी यहाँ से वहाँ तक, पूरा एकदम पूरा एकदम पूरा एकदम घना है बिल्कुल। और इसमें अजीब अजीब जानवर भी रहते हैं छोटे बड़े। मैं अपनी टीम के साथ आया हुआ हूँ, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा तो कौन कौन से नए पेड़ या किस किस टाइप के पेड़ इस जंगल में हैं। देसी पेड़ जंगली पेड़ ही होते हैं, लेकिन जंगली पेड़ों के बारे में भी लोगों को भाई नॉलेज नहीं पता होता कि भाई कौन सा क्या पेड़ है, किसका पेड़ है। तो आज मैं उन सबको बताऊंगा, और उन सबका अगर हो पाएगा जिनका कुछ यूज होगा उसके बारे में ही बताऊंगा क्या यूज है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा जंगल यहाँ पे, तो मैं अभी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। तो फिर अब हम एक किनारे से जाके ना इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं क्या। अभी तो मैं एकदम किनारे पे हूँ, अब धीरे धीरे जंगल के बीच में जाएंगे। तो मैं पहले आपको एक उसका ओवरव्यू ही दिखा देता हूँ कि जंगल कैसा है, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा एक ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ हैं, और इस समय सीजन भी चल रहा है आमों का, भाई फूल लगे हुए हैं बराबर सब में। करीब तीन पेड़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी पुराने भी हैं। लगभग एक इन पेड़ों की एज जो है वो 40 साल के बराबर या उससे प्लस है, 40-40 प्लस तक। अब आप देख सकते हैं जंगल एकदम ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या है काफ़ी बड़ा जंगल तो बड़ा था, अभी ख़त्म हो गया, लेकिन झाड़ियाँ बहुत है इसमें और बहुत अजीब अजीब से पेड़ हैं यहाँ पे। अभी गर्मियों में क्या है ना, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल भी आए हुए हैं, उनका फल आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि चिड़िया, जो अभी चिड़िया है या कोई जानवर है छोटे मोटे, वो खाते हैं उसको आके। इतनी हरी हरी पत्तियाँ हैं, ये भी वो खाते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए भाई आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे हम चीज़ों को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें भाई एक पेड़ दिखा है, और इस पेड़ को मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाले पेड़ को, ये वाला जो पेड़ है इस पेड़ का मेडिसिनल यूज है। बोलते हैं कि भाई जो पुराने ज़माने में लोग इसकी दातून करते थे, और दातून से लोगों का ऐसा मानना है कि भाई कि इससे पायरिया ये सब रोग के लिए काफ़ी कारगर होता था, काफ़ी भाई लाभदायक होता था इसके लिए। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जंगल में और चीज़ों को देखते हुए कि भाई और क्या हमें दिख सकता है इसमें। तो थोड़ा सा बीच में जाएंगे, उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। अभी तो मैं साइड साइड में ही चल रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक, उसके बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, उस प्रकार के पेड़ काफ़ी हैं। तो फिर अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो आम के पेड़ हैं, और इन आम के पेड़ों से तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक अजीब सा पेड़ मुझे ये दिखा है, ये देखा है एक अजीब सा पेड़ ये है, और इसका नाम तो नहीं पता क्योंकि बहुत सारे पेड़ों के नाम तो मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये सब जंगली पेड़ हैं। ये नॉर्मल जगह तो मुझे नहीं दिखते हैं क्योंकि हम भी तो गाँव में रहते हैं भाई, तो मुझे तो नहीं मिले ऐसे पेड़, लेकिन कुछ पेड़ हैं जो जंगली ये देखे जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई और क्या है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हुए, और जैसे हम आगे बढ़े तो हमें भाई कुछ पेड़, एक दो पेड़ और मिले हैं। आप देख सकते हैं ये वाले पेड़ को तो तेन का पेड़ बोलते हैं, वैसे तो पूरा एकदम हरा हुआ, बिल्कुल एकदम हरा भरा है ये। और इसके नीचे देखेंगे एक पेड़ और है, अगर आप लोग इसको देखे होंगे जानते होंगे, तो सिंघोर का पेड़ बोलते हैं वैसे तो। और ये पूरा एकदम का काफ़ी बड़ा बड़ा और काफ़ी मोटा पेड़ होता है, लेकिन अभी तो क्या है कि ये जंगलों में झाड़ियों के नीचे दब गया है तो बहुत छोटा सा ही रह गया है।
और बाकी तो इसके यही दो चार पेड़ हैं बड़े बड़े। और आगे देखते हैं अब कौन सा हमें नया पेड़ दिखता है। तो आगे बढ़ेंगे अब जंगलों के रास्ते बीच से, और देखते हैं ये कुछ मेरे पास, इसके साथ आप लोग परिचय होंगे भाई, सरपत का पेड़ है, सरपत है। और धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई इस जंगल में और क्या है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और काफ़ी मात्रा में, देखो पेड़ भी कट गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये सब पेड़ था, ये सब कट गया है और लेकिन नई नई शाखाएँ निकल रही हैं यहाँ से। इसके बाद फर्दर दोबारा फिर से ये घना हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो एकदम बिल्कुल ख़त्म ही है ये बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं मैं एक जगह आया हूँ, ये देख रहे हैं ये कौन सी पेड़ है, ये भी भाई जंगली पेड़ है ये, बहुत अजीब सा। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा और देखूंगा, यहाँ पे ये बहुत घना पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस पेड़ के बारे में, यहाँ पे एक बेल का भी पेड़ है, देख सकते हैं ये वाली ये डाली दिख रही, ये भाई बेल का पेड़ है। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ना, काफ़ी इसमें लताएं लगी हुई हैं, पूरा एकदम पूरा इसको पूरा जटिलता के साथ में घेरे हुई हैं पूरा। और बेल के पेड़ की पत्तियाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये वाला पूरा बेल का पेड़ है और काफ़ी हरी भरी है। इसके भी छोटे छोटे बहुत पेड़ है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको करीब से दिखाऊंगा कि जंगल में बताइए अगर आदमी लगाए तो ऐसे पेड़ नहीं लगते हैं, और जंगल में देख लीजिए कितने बड़े पेड़ हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये वाला पेड़ है बेल का। और अब देखिए पूरे जंगल में ये कई पेड़ हैं इसके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं लताएं इसको चारों तरफ से बिल्कुल घेरे हुए हैं, इसलिए इसकी ग्रोथ रुकी हुई है एकदम पूरा। तो फिर भाई हम आपको थोड़ी सी जंगल की खूबसूरती भी दिखाते हैं भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ बेल के पेड़ और ये कुछ लाभदायक जड़ी बूटियों वाले पेड़ के अलावा भी इसमें बहुत सारे होते हैं। मैं थोड़ा सा बच के आपको दिखाता हूँ इसको, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा फूल लगा हुआ है इसमें। तो मैं एक आध फूल तोड़ के आपको दिखाता हूँ इसका, ये बहुत महक भी आ रही है इससे और बहुत बढ़िया फूल है ये। मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं फूल, और ये काफ़ी महक भी है इसमें, इसी की वजह से जंगल में ये महकता रहता है पूरा जंगल। एक ही बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा दिखे तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊँ। भाई अभी मैं बात कराता है शुरुआत में कि भाई यहाँ पे चिड़िया के खाने की व्यवस्था हो जाती है, तो चिड़िया के खाने की व्यवस्था जिस पेड़ से होती है उस पेड़ के पास तो मैं पहुँच गया हूँ। लेकिन अभी इसमें क्या है कि ये वाले में, आप ये वाला देख सकते हैं इस वाले में, इसमें भी फूल नहीं है लेकिन कुछ में है, फूल और फल दोनों सब में लगे हुए हैं। ये कुछ नया है पेड़ भी, इसलिए इसमें नहीं लगा हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे और देखते हुए चलेंगे, कुछ दिख जाए तो इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। तो धीरे धीरे इन जंगली रास्तों से हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए भाई कुछ दिखाने के लिए हम सोच रहे हैं, कुछ ऐसा जगह मिले जो आपको दिखाएं और आपको आनंद आए। तो जी हाँ बिल्कुल सही, अब मैं उस स्थान में पहुंच गया हूं और मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये है जंगली कटार। अब मैं इसको आपको ध्यान से दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा इस वाले डाली में, देख रहे हैं कैसे कितने बड़े बड़े कांटे हैं इसमें। अब ये कांटे इतने बड़े बड़े हैं इसके, बताइए बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, और काफ़ी ठोस लकड़ी होती है इसकी बहुत ज़्यादा। और उससे आगे बढ़ के थोड़े से आगे भाई हमें मिला है ये पेड़। इस पेड़ के बारे में अभी हमने पूछा तो वही पता चला कि ये है जंगली जलेबी का पेड़। जंगली जलेबी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो इसका फल होता है ना वो जलेबी की तरह गोल गोल बिल्कुल घुमावदार होता है, टेढ़ा टेढ़ा, इसलिए इसका नाम पड़ गया जंगली जलेबी का पेड़। और इससे भाई बहुत मीठा फल होता है, वैसे नॉर्मली तो भाई नहीं मिलता लोगों को खाने को, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है ये फल और काफ़ी टेढ़ा टेढ़ा सा होता है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है निकलौता नीम का पेड़ इस जंगल में, और ये कुछ झाड़ियाँ देख सकते हैं एकदम घनी झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों के नीचे नीलगाय बैठा करते हैं, बहुत साफ है वहाँ पे नीचे, तो मैं चल के भी दिखाऊंगा आपको। इन्हीं जंगलों के बीच से देख रहे हैं आप लोग इतने सारे नीलगाय निकल के जा रहे हैं, देखिए किस्मत कितनी अच्छी है मैं यहाँ पे आया और मुझे नीलगाय दिख गए यहाँ पे, ये इसी जंगल में कहीं बैठे रहे होंगे उन लोग। इन्हें देखिए एक आध दो लोग उनका पीछा कर रहे हैं,
ताकि वो बड़े जंगल की तरफ भाग के चले जाए वापस। चलिए हम आगे चलते हैं और अपना जंगल को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था ना, एकदम हरा हरा पेड़, बिल्कुल तेन का पेड़ है ये, और इसमें फल भी लग रहा है। अब देखिए इसके फूल मैं आपको दिखाता हूँ, बरसाए हुए हैं, फल भी लगता है, फूल भी लगता है, और काफ़ी इसका फूल महकता भी है जंगल में। अगर आप सच में अगर किसी जंगल के पास से गुजरेंगे ना, तो आपको उस जंगल होने का आभास पता चल जाएगा कि हाँ ये भाई, क्योंकि आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। वहाँ पे इतनी अजीब सी महक आती रहती है। ये है एक और नया पेड़ हमें मिला है, बिल्कुल हरा हरा ग्रीन सा। अब आप देख सकते हैं ये वाला पेड़, इस वाले पेड़ को बोलते हैं भाई जंगली करोन का पेड़। एक तो होता है भाई, आप नॉर्मली नॉर्मल आदमी घर में लगा लेता है एक आध पेड़, उसका अचार बनाने का काम आता है, लेकिन ये जंगली करोन है, और ये खट्टा मीठा होता है, पकने के बाद एकदम बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। इसका फल, अभी फल तो नहीं है इसमें क्योंकि फूल ही लगा हुआ है, एक आध दो महीने में, मई या जून के महीने में इसमें बढ़िया फल आएगा। वही हर किसी बारिश वारिश होने लग चालू हो जाएगी, तो उसके बाद बढ़िया फल आएगा इसमें। अभी फूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं फूल लगे हुए हैं इसमें पूरा। पकाते मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं इसका फूल दिखाता हूँ एकदम काट निकाल के, किस तरह से इसका फूल देखने में लगता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है जंगली करवन का फूल, इस तरह से पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप बांस भी है यहाँ पे, दो चार पेड़ बांस का भी लगा हुआ है जंगल में। अब इसको तो किसी ने लगाया होगा, बांस का पेड़ तो ऐसे नहीं आ जाता कहीं पे, इसको लगाना लगाया होगा किसी ने यहाँ पे। तो हम देख दे रहे, ये जंगल में हरे हरे पेड़ इतने अच्छे लगते हैं ना देखने में, एकदम मज़ा ही आ जाता है, बिल्कुल ऐसी भाई एकदम बिल्कुल गार्डन वाली फीलिंग आ जाती है भाई, किसी गार्डन गार्डन के अंदर से निकल रहे हैं। और यहाँ से धीरे धीरे निकलते हुए आगे भाई, काफ़ी बेकार सा रास्ता है, और देख रहे हैं कितनी एकदम बिल्कुल झाड़ी जैसा बन गया बिल्कुल, क्योंकि ग्रीष्म काल आ रहा है ना धीरे धीरे, ये सब सूख जाएगा धीरे धीरे। तो आप देखेंगे मेरे पीछे ये कुछ पेड़ हैं इसमें, और यहाँ पे ये बिल्कुल झाड़ी जैसा वही पेड़ है इसमें, उसी टाइप के सब पेड़ हैं, ये को मैंने आपको बताया था, उसी टाइप के सारे पेड़ हैं इसमें। और हम धीरे धीरे अब एक छोर पर निकलेंगे, क्योंकि इसके अलावा इसमें और किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं है। तो फिर मैं आज के लिए आप वीडियो यहीं पर रुकूँगा, वीडियो आप देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको मिल पाए। धन्यवाद।